ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। योगी आत्माएं प्रभु को अति प्रिय हैं, क्योंकि एक योगी अपने सभी अंगों को समेट कर अंतर्मुखी हो जाता है, अर्थात बाह्य रसों को समाप्त करके ईश्वरीय रस में मग्न हो जाता है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा त्याग है। बिना कर्मेंद्रियों के रसों के छोड़े कोई भी श्रेष्ठ योगी नहीं बन सकता। योग से अंग अंग शीतल हो जाते हैं, क्रोध भी शांत हो जाता है, कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। सचमुच योगी जीवन बहुत ही प्यारा है। योगी को एक बहुत बड़ी प्राप्ति, वो सदा स्वयं को बाबा की छत्र छाया में देखते हुए निश्चिंत अनुभव करता है। ये निश्चिंतता एक सच्चे योगी की पहचान है। जो योगी निश्चिंत नहीं है, छोटी छोटी बातों की चिंताएं करता है, वो तो सचमुच श्रेष्ठ ज्ञानी भी नहीं है। सोचने की बात है, जिन्हें स्वयं भगवान मदद कर रहा हो, जिनकी जिम्मेदारी उसने ले ली हो, जो उन पर स्वयं बलिहार हो गया हो, वचन दे दिया हो, बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। और कितनी सुंदर बात कह दी, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? विश्वास कर लें, जान लें बाबा को। विश्वास से भी बड़ी बात है जानना, क्योंकि जानने के बाद ही विश्वास होता है। अगर हम बाबा को ठीक तरह से जान लेंगे तो हमें उसके महावाक्यों में प्रैक्टिकल रूप से विश्वास हो जाएगा और हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। उसने कह दिया है, प्यार से कहो मेरे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। तो बाप बंधा हुआ है आने के लिए और मदद करने के लिए। क्या हमें इसमें विश्वास है या ये हम इस पे ध्यान ही नहीं देते? क्या हम बाबा को बुलाते हैं? सब आज सारा दिन नशे में रहेंगे। सर्व शक्तिवान की छत्र छाया मेरे सिर पर है। विजुअलाइज करें, एक विशाल छत्र छाया, भगवान की छत्र छाया। सोच के तो देखो, जैसे भगवान स्वयं बॉडीगार्ड बन गया है। कितनी सुंदर अनुभूति होगी इस शीतल छत्र छाया में। न माया आ सकती, न समस्याएं, न डर आ सकता, न भूत प्रेत। अभ्यास करें, सारी शक्तियां इसके समक्ष परास्त हो जाएंगी, प्रकृति भी सहयोग करेगी। हम सभी स्वयं को बाबा की छत्र छाया में ले आए तो स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। इस छत्र छाया की निरंतर श्रेष्ठ अनुभूति करते रहें, भगवान की छत्र छाया और बाबा का आह्वान करते रहेंगे। आज सारा दिन ये दोनों अभ्यास विशेष रूप से कहेंगे करेंगे। मैं तो कहूंगा कि सारा दिन अपने को विशेष रूप से इस छत्र छाया के अंदर ही देख लें। कर्म करते हुए भी छत्र छाया में, भोजन करते हुए भी छत्र छाया में, ऑफिस जाते, ऑफिस में बैठे, बिजनेस दुकान पर बैठे, हम इस छत्र छाया के अंदर हैं। योग भी करें तो ऐसे ही बैठ जाएं, बस मैं फरिश्ता छत्र छाया के नीचे बैठा हूँ। देखो जीवन में कितना आनंद होता है और इससे कितनी सुंदर अनुभूति होती है। इस छत्र छाया में हम सदा ही सुरक्षित हैं। चोर डाकों का भी भय नहीं, आपदा विपदा का भी भय नहीं, बस नशा हो जाए जिनको स्वयं भगवान साथ दे रहा हो।
जिनके ऊपर वो स्वयं छत्र छाया बनकर उपस्थित हो, उन्हें डर किसका। और प्रति घंटे में बाप दादा का आह्वान करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे बुलाते ही बाबा आ जाते हैं और सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बोलो बच्चे क्या सेवा है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।